स्वागत है आप सबका अपना चैनल क्लीन भोजपुरी में। वीडियो को आगे देखने से पहले लाइक कर लीजिएगा और अगर आप लोग नए नए चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए गुरु बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में, भोजपुरी में नफरत। मतलब पवन सिंह से दो चार लोगों की ऐसी, मतलब इतनी ज्यादा नफरत हो चुका है, इतना ज्यादा नफरत हो चुका है कि लोग जो है उनके गाने बजते हुए देख कर ना हमेशा पगलाए हुए रहते हैं। और हाल कुछ ऐसा ही है, इस बार भी पावर स्टार पवन सिंह ने एक महीने में 4-5 गाने गा दिए। अब भाई पवन सिंह अगर एक महीने में 4-5 गाने गा देंगे तो फिर और सिंगरों का जो है वो चलना हमेशा से भोजपुरी इंडस्ट्री में मुश्किल हो जाता है। मतलब जब पवन सिंह गाना स्टार्ट कर देते हैं तो कोई और सिंगर का जो है वो गाना चलता ही नहीं है। अब इसका कारण ये है कि पवन सिंह का इतना चाहने वाले हैं और इतना बड़े स्टार है, पॉपुलैरिटी इतना है कि उनके सामने कोई रत्ती सा भी, इतना सा भी जो है वो टिक नहीं पाता है। अब बौखलाहट जो है वो साफ दिख रहा है, विरोधियों में बौखलाहट जो है वो साफ दिख रहा है। आप लोग एक पर एक जो है स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे कि ये कहां से स्क्रीनशॉट आया है। जी हाँ, इन लोगों एक नए से नए प्लान कर रहे हैं कि 5 घंटा पवन सिंह के गाने पे रिपोर्ट मारो, तो कोई कह रहा है कि 8 घंटे पवन सिंह के गाने पे रिपोर्ट मारो, लगातार रिपोर्ट मारो, तब जो है पुदीना है हसीना का जो है व्यूज रुक गया है तो उसका लाइक रुक गया है। अरे बेवकूफ हो तुम लोग, इस पवन सिंह को ना इतना रिपोर्ट मार के कुछ नहीं कर सकते हो। और तुम लोग को ना बेटा मैं ये बता रहा हूँ, खुलेआम कह रहा हूँ, तुम लोग को जितना पिछवाड़ा में दम है पुदीना है हसीना को रोकने में लगाना है लगा लो, ठीक ना, क्योंकि तुम लोग से होने वाला कुछ नहीं है। और इसी तरह अगर पवन सिंह हर एक महीने 5 गाने लाते रहे ना तो आपके अब्बा का जो दुकान है ना वो बंद हो जाएगा। हम सही कह रहे हैं, पिछले लॉकडाउन में देखे थे का हाल हुआ था, इस बार भी देखे का हाल हुआ, क्योंकि जब पवन सिंह एल्बम गाना स्टार्ट कर देंगे ना तो उनके सामने कोई नहीं है, इसीलिए वो जब नहीं गाते हैं तो आपके अब्बा जो है वो गाते हैं तो चलते हैं। आपके क्या किसी का भी इनके सामने अगर देखा जाए तो इस लॉकडाउन में कोई और सिंगर अगर चल पाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ रितेश पांडे हैं, क्योंकि वो भी एक क्वालिटी बेस्ड सिंगर हैं। और उसके अलावा कोई भी ऐसा सिंगर नहीं है जो कि इस लॉकडाउन में चला है। और तुम लोग जो है रिपोर्ट मार के क्या लगता है किसको रोकोगे, मजनुआ पिटाता का रोकोगे या नजरिया ना लागे या फिर पुदीना है हसीना, क्योंकि एक रोक रहे हो तो दूसरा जो है वो उछल के तेजी से आ रहा है। जाके देखो नजरिया ना लागे 1.5 मिलियन व्यू चल गया एक दिन में, जबकि प्रतिदिन 1 मिलियन जा रहा था, लेकिन जब इन्होंने कल परसों से पुदीना हसीना पर रिपोर्ट मारना स्टार्ट किया है तब से नजरिया ना लागे जो है वो बाउंस कर रहा है, मतलब स्पीड उसका पकड़ रहा है, वो भी स्पीड पकड़ लिया है। तो अब तुम लोग का खैर नहीं है, शुक्र यही में है कि तुम लोग मनाओ कि पवन सिंह जो है लगातार गाना ना गाए, क्योंकि लगातार गाएंगे ना तो फिर पता है कि कितनों का बोरियो भी इस तरह बनने वाला है इंडस्ट्री से। और जितने भी पवन भैया का फैन थे, पवन सिंह का फैन था, वो सब लोग बोल रहे थे कि भाई इस पे वीडियो बनाइए, तो प्लीज आप लोग टेंशन मत लीजिए, इन लोग को मारने दीजिए। वैसे भी पुदीना है हसीना किसके कान तक नहीं पहुंच चुका है, क्या वो सर्च करके नहीं बजाएंगे, दिन रात हर एक गांव में बज रहा है जी, तो इन लोग को रिपोर्ट मारना, ये बेवकूफ है। जितना ये लोग नफरत करने, नफरत फैलाने में जो है टाइम लगाते हैं, उतना अगर इन लोग अपने स्टार पे ध्यान देते ना तो आज इनका स्टार भी पवन सिंह के कंपेयर में खड़ा हो पाता, लेकिन कहीं से भी खड़ा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यही सब हरकत हो, 4 यूट्यूबर और 4-5 ये लोग फेसबुक या और व्हाट्सएप में जो ग्रुप बनाए हुए हैं, यही लोग तो ये अपना स्टार को ले डूबे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए याद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय ऑल।